दोस्तों घर बन रहा है या घर बनवा रहे हैं तो जो सीढ़ी होती है, सीढ़ी भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। जो घर के अंदर जो सीढ़ी होती है हमारी, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है सीढ़ी की भी। तो इसको सही तरीके से चढ़ाने के लिए और इसकी सही मजबूती बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, तो सर तो चलिए आपको डिटेल में बताते हैं। तो इसकी जो शटरिंग होती है, वो शटरिंग यहाँ पे प्रॉपर तरीके से करनी होती है। जैसे यहाँ पे ये शटरिंग की गई है, तो शटरिंग के लिए जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया है वो यहाँ पे ऐसे नीचे गार्डर डाले गए हैं। यहाँ पे दोनों साइड में 3.5 फीट की ये सीढ़ी है और इसमें प्रॉपर तरीके से बल्ली यहाँ पे प्रोवाइड की गई है, ताकि जब भी इसके ऊपर वजन पड़े कास्टिंग के समय तो ये नीचे की तरफ ना झुके। देखिए ये सारी ही सीढ़ी गार्डर पे चढ़ाई गई है। बीच में यहाँ पे ब्रिक वर्क किया गया है स्टेप का लेवल मेंटेन करने के लिए। तो आइए आगे और बताते हैं आपको। जब भी सीढ़ी चढ़ती है तो कुछ लोग क्या करते हैं, जो ये थ्रेड वाली साइड है ये फट्टों पे या ईंट से बना देते हैं, जिससे कि फट्टों पे जो लेवल है वो प्रॉपर तरीके से सीढ़ी का नहीं आता है। कहीं से स्टेप ऊंचा होगा, कहीं से नीचा होगा। ऐसे ही ईंट के से सीढ़ी चढ़ाने में भी ऐसे ही होता है कि कोई ईंट छोटी बड़ी होती है, किसी ईंट के नीचे मसाला ज़्यादा लग गया तो वो हमारे स्टेयर का जो स्टेप है वो छोटा बड़ा हो जाता है। तो उसको प्रॉपर तरीके से रखने के लिए हम इसका प्लेट्स का इस्तेमाल हमें करना या करवाना चाहिए स्टेयर बनाते समय। और जो इसकी राइजर वाली साइड है वो हम या तो प्लेट से बनवा सकते हैं, ईंट से बनवा सकते हैं। अगर ईंट से बनवा रहे हैं तो इस तरीके से उस पर यहाँ पे ये मिट्टी का लेप या POP का लेप या फिर कच्चे मसाले का यहाँ पे प्लास्टर करवा लें, ताकि जब सीढ़ी हमारी खुले या जो हमारी ईंटें हैं वो हमारी इसके साथ ना चिपकें और प्रॉपर तरीके से हमारी सीढ़ी जो खुल जाए। तो इसमें अब आपको बताते हैं इसकी मजबूती के लिए और क्या है। देखिए यहाँ पे 4 इंची झीरी हमारी मारी गई है सीढ़ी पे। कई कई बार होता है झीरी ना मारने से यहाँ पे दीवार के पास में सीढ़ियों में क्रैक आ जाती है, तो उस क्रैकिंग को रोकने के लिए यहाँ पे सीढ़ी में ये 4 इंची झीरी मारनी ज़रूरी है। कई बार क्या करते हैं कि यहाँ पे एक स्टेप छोड़ के, 2 स्टेप छोड़ के या 3-4 स्टेप छोड़ के कहीं कहीं पे सीढ़ी में गड्ढे मार दिए जाते हैं, जिससे कि मजबूती तो उसकी नहीं बनती और साथ में इसकी जो साइड में क्रैकिंग शो होने लगती है कुछ समय के बाद सीढ़ी में। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो है सीढ़ी में, वो है सरिया। सरिया हमें किस तरीके से प्रोवाइड करना है, सरिया भी हमें प्रॉपर तरीके से इसमें प्रोवाइड करना होता है। ना ही इसमें ज़्यादा सरिया डालने होते हैं और ना ही कम सरिया डालने होते हैं। तो इसमें जो हमारा स्टेप बन रहा है, हमने इसमें प्रोवाइड किए हैं 6 सरिये और सभी अल्टरनेट है। देखिए यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं, वो उस कॉर्नर पे है, ये इस कॉर्नर पे अल्टरनेट है। ऐसे ही सेंटर में ये भी अल्टरनेट है और जो फ्रंट में है वो भी अल्टरनेट है। 6 सरिये हमने इसमें प्रोवाइड किए हैं और 6 ही इसमें हमने रिंग प्रोवाइड किए हैं। तो मजबूती हमारी एक तो झीरी पे, शटरिंग पे और जो हमारी बेंडिंग हो रही है सरिए की, इस पे सीढ़ी की मजबूती प्रॉपर निर्भर करती है। और उसके बाद आती है कास्टिंग। कास्टिंग होती है बाद में, कास्टिंग भी प्रॉपर तरीके से इसकी होनी चाहिए। अब इसके बारे में और आपको बताते हैं। तो जैसे हमारे यहाँ पे इस सीढ़ी के 20 स्टेप हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 चौकी का, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 हमारे स्टेप हैं इसमें। 20 जो साइज रखा गया है वो 7x10 का है। और जो हमारे रेस्ट के पास में स्टेप हैं, ये स्टेप जैसे ये वाला स्टेप है जो रेस्ट के पास, ये 6 इंची का रखा गया है। और जो रेस्ट के बाद का स्टेप है वो 8 इंची का रखा गया है। ऐसे ही ऊपर भी, ऐसे ही उस चौकी के पास में भी ऐसे ही स्टेप, ऐसे ही प्रोवाइड वो स्टेप किए गए हैं, ताकि जो हमारी चौकी की कास्टिंग हो वो थोड़ी मोटी हो, ताकि उससे पूरी स्टेयर को प्रॉपर मजबूती मिल सके। तो ये भी ध्यान रखना है, जब भी आप चौकी की जो चौकी रेस्ट हमारी आती है उसकी जो कास्टिंग होती है वो आपको सीढ़ी की कास्टिंग से मोटी रखनी है। सीढ़ी की कास्टिंग होती है जो 2.5 से 3 इंच होती है, और जो चौकी की कास्टिंग होती है वो भी इसी लेवल में कर देते हैं 2.5 3 इंच की। तो वो भी हमें उसको बढ़ाने के लिए, जो सीढ़ी के हमारे एक नीचे वाला स्टेप और एक ऊपर वाला स्टेप, नीचे वाला स्टेप 6 इंची का रखना है और ऊपर वाला हमें 8 इंची का रखना है। और जब कास्टिंग होगी तो नीचे वाला भी 7 का हो जाएगा तो ऊपर वाला भी 7 का हो जाएगा। तो दोस्तों सीढ़ी बनाते समय ये बातें आपको ध्यान रखनी है।
अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।